हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गुजराती लैंग्वेज का जो LPT होता है, गुजरात से अगर फॉर्म फिल करते हैं तो ये LPT होगा। और SBI क्लर्क की बात कर लेते हैं। SBI क्लर्क का पूरा प्रोसेस, मतलब अलग स्टेट से भरने का क्या सीन रहता है, तो इसमें ये है कि आपको अगर आप चाहते हो कि आप अदर स्टेट से भरना चाहते हो तो उसका जो मेन और प्री एग्ज़ाम होगा वो आप अपने स्टेट में एग्ज़ाम जो सेंटर है वो चूज़ कर सकते हो फॉर्म फिलिंग के टाइम। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम तो अपने स्टेट में दे सकते हो लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो गुजरात में होगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ है, गुजरात में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तो गुजराती जो लैंग्वेज है लोकल, वहाँ की जो गुजराती लैंग्वेज है उसका LPT होगा, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो उस टेस्ट के लिए आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। अब कितनी आनी चाहिए ये डिसाइड किया जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और मेरे हिसाब से इसमें मेरा जो एग्ज़ाम हुआ उसमें LPT का जो लेवल था वो काफ़ी बेसिक था, इतना हाई लेवल नहीं था। तो आपको उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो आपको बेसिक आना चाहिए, मतलब पढ़ना और लिखना, बोलने का इतना वो नहीं है, बोलना पूछा भी नहीं जाएगा और ना ही आपको इतनी रिक्वायरमेंट है बोलने की। तो आप पढ़ना और लिखना आप बेसिक पढ़ लें। और इसके अलावा क्या होता है कि जो कुछ लोग पूछ रहे थे कस्टमर डीलिंग में दिक्कत नहीं आती क्या, तो वहाँ कस्टमर डीलिंग का आपको कोई सीन नहीं रहेगा इतना। आपको क्या करना होगा, जैसे आपको जो बेसिक समझ में आ रहा है उसको आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बाकी हेल्पर होते हैं बैंक में, जो प्राइवेट लोकल लोग रहते हैं वहाँ के हेल्पर रखे जाते हैं, तो उनको वो हेल्प कर सकते हैं आपकी जब भी ज़्यादा वो हो दिक्कत। या फिर जैसे मेरे बैंक में ये सीन था कि वहाँ के जो गार्ड थे वो लोकल थे, और इसके अलावा एक हेल्पर और थे मेरे भाई, तो उन्होंने मतलब कभी भी दिक्कत आई तो मैंने उनको बुलाया और उनसे बात कराई, फिर उन्होंने मेरे को समझा दिया, तो इतना वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी हिंदी भी बोलते हैं लोग जो मतलब एजुकेटेड हैं, जो अभी न्यू जनरेशन है तो वो हिंदी भी बोलती है, तो आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। इसके अलावा LPT में क्या हुआ, LPT में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका उसके 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब वो अपने हिसाब से देंगे। 10 क्वेश्चन आए थे हमारे एग्ज़ाम में, तो उन 10 क्वेश्चनों का आपको मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा उसके नीचे कुछ स्पेस होगा, फिर एक क्वेश्चन होगा उसके नीचे एक स्पेस होगा, तो आपको उस स्पेस में उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग गुजराती लैंग्वेज में ही आपको वो उसका आंसर लिखना होगा। जो पैराग्राफ होगा वो गुजराती लैंग्वेज में होगा, उसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो गुजराती लैंग्वेज में होंगे, और आपको आंसर भी उसी लैंग्वेज में देना होगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का प्रोसेस है। और उसके अलावा कोचिंग कहाँ से की थी मैंने, तो कोचिंग एक इंस्टीट्यूट है जयपुर में, तो वहाँ से मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। बाकी मेरे को जो लगा एग्ज़ाम देके कि इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने जो कोचिंग ली वो ज़रूरत नहीं थी, हालांकि मेरे को पता नहीं था इस चीज़ का, तो मैंने वो कोचिंग ज्वाइन कर ली। और आप यूट्यूब से पढ़ के भी आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा गुजराती लैंग्वेज ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और न्यूज़पेपर आप मंगा सकते हो तो वो कर सकते हो, या फिर गूगल वगैरह पे काफ़ी न्यूज़पेपर मिल जाएंगे आपको, तो वो कटिंग से उनसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पढ़ने का सीन ये है, और एग्ज़ाम का लेवल बता दिया मैंने। इसके अलावा अगर गुजरात में आप फॉर्म फिल करते हो तो एग्ज़ाम सेंटर आप अपने स्टेट में ले सकते हो। अब बात है गुजरात में जॉब करनी चाहिए नहीं, तो मेरे हिसाब से अगर आपको केवल जॉब चाहिए, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो, तो आप कर सकते हो। क्योंकि जो आसपास के स्टेट से जो जाते हैं उनको क्या होता है कि जो सौराष्ट्र का एरिया है या कच्छ का एरिया, उधर उस साइड उनको मतलब ज्वाइनिंग दी जाती है, जो काफ़ी अलग कल्चर है, काफ़ी दिक्कत करता है। जैसे आप अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा, इनके ये जो सेंटर में है, इनके इन एरिया में जाते हो तो वहाँ क्या है, कल्चर मिक्स है, और आपको खाना भी हर तरह का मिलेगा और रहन सहन भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन आप जो सौराष्ट्र कच्छ के एरिया में जाते हो तो वहाँ बिल्कुल कल्चर अलग है, और काफ़ी दिक्कत आपको करनी पड़ेगी, काफ़ी दिक्कत मतलब सहन करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब डिसाइड डेस्टिनी करती है, आपको कुछ नहीं पता होता कि कहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी। हम भी जब गए थे पहली बार तो हमें वडोदरा बुलाया था LPT के लिए, तो हमें लगा था वडोदरा इस एरिया में देंगे, लेकिन जब मिला ब्रांच तो वो मिला प्राची नाम से ब्रांच थी एक। ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत हुई थी मेरे को एक महीना, और SBI PO में सिलेक्शन होने के बाद मैं आज घर आके पहुँचा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप कहीं भी कर सकते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आप 6 महीने साल भर और ज़्यादा मेहनत करके आप 2-3 मतलब 5-6 नंबर का फ़र्क रहता है, तो वो आप अगर कवर कर सकते हैं तो आप अपने स्टेट से फिल करें। बाकी अगर आपको केवल जॉब चाहिए तो आप गुजरात से फिल कर सकते हैं।
और लड़कियों लड़कियाँ तो कर सकती है, अगर लड़कियाँ बाहर रह सकती है तो उनको ज़्यादा उस एरिया में कम ज्वाइनिंग मिलती है, 99% नहीं मिलेगी। तो आप उसमें कुछ लड़कियाँ कर सकती है फिल फॉर्म, और यही चीज़ें हैं। इसके अलावा LPT के बारे में और कुछ मेरे हिसाब से नहीं है, ये चीज़ें रहेगी। ठीक है, थैंक यू। और भी आपके कोई कमेंट, मतलब इसमें भी कोई कुछ रह गया हो मेरे से तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और साथ बने रहे, और भी रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और ब्लॉग वाला भी चैनल भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।